Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome all of you in the Safa last webinar with Sheikh Atif. Sorry for the technical issues. Late ho gaya uski wajah se. Qaddar Allahu ma sha fa'al. So let's start without a delay. Aaj ke session mein kaise hain aap? Theek hain? Khairiyat se hain? Alhamdulillah. आज के सेशन में हम थोड़ा डिफरेंट, हमने पिछले दो जो सफ़ा के सेशन पे बात की वेबिनार्स में, वो डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की, उसके करिकुलम में, उसकी मेकिंग में, उसके ओरिजिन में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी कन्वीनियंस में, उसकी फैकल्टी के साथ, आपके साथ हमने इंट्रैक्शन कराया, कुछ सवालात के जवाब दिए. आज हम थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट पे सफ़ा के जो है और ओवरऑल जो दीनी इल्म है, शरीयत का इल्म है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे. तो जैसे कि आपसे भी हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है अब किताबों के अंदर कि इल्म जो होता है वो तसव्वुरात, नजरियात और कॉन्सेप्ट्स का नाम होता है और वो कायनात में भी हमें कुछ मिल जाते हैं और शरीयत के अंदर भी मिलते हैं. तो सफ़ा को जब आप देखते हैं या किसी भी दीनी कोर्स को आप देखते हैं या किसी भी लेक्चर शॉप या दर्स को देखते हैं जो एक उस्ताद अपने शागिर्द को पढ़ा रहा होता है, तो वो किस तरह डिफरेंट होता है कि एक कॉन्सेप्ट जो है मैं खुद ही फिगर आउट कर लूं और दूसरा उसको एक उस्ताद जो है या एक कोर्स के अंदर एक बकायदा पैकेजिंग करके उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करके उसको मौके महल के लिहाज से प्रेजेंट करना सही टाइम के ऊपर, जिसको आप हिकमत से भी तशबीह देते हैं, उस पर मैं चाहूंगा आप बात करें. देखें, इसमें पहले तो मेरा इस पर ये टेक है कि देखें, एक होता है मफहूम, तो जनरल मफहूम और जनरल कॉन्सेप्ट तो जो है कायनात के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं और ये पुराने जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं या फलसफी रहे हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई अकल जो है वो इदराक कर सकती है बहुत सी चीजों का, लेकिन मफहूम को अपनी तफसील के साथ और अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ पहुंचने के लिए इस कायनात की अकल का जो इदराक है, जो इंटेलेक्ट है, वो स्पेसिफिकेशन पे नहीं जा सकती जब तक कि उसके अंदर एक डिवाइन डॉक्ट्रिन या एक अप्लाइड टेस्टेड एलिमेंट जो है उसके ऊपर, हर एलिमेंट पर उसको अगर अप्लाई किया गया और उसको टेस्ट किया गया तो उसकी तफसील आपको नहीं मिलेगी. तो जनरल इल्म, जनरल इल्म है सही, अपनी तफसील के साथ जो है ना वो डिफरेंट शक्ल है, सिर्फ तुक्के मार के और सिर्फ तफक्कुर करके नहीं आ सकता उस पे. एक लेवल के ऊपर जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी जो माइक्रोस हैं और जो उसकी जुजियात हैं और जो उसमें तफसील है, वो दो तरीकों से आ सकती है, या वो मैन मेड होगा या वो डिवाइन रेवलेशन होगा. तो एक लिहाज से इंसान का मफहूम अपना भी पर्सनली, चाहे वो 50 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी, जितना भी मफहूम पको, और लोगों के बड़े सॉलिड मफहूम होते हैं, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के अंदर पहली चीज की कमी थी, वो कॉन्सेप्ट एक महल तक तो सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकता है, मगर वो कॉन्सेप्ट जितने मुख्तलिफ डायनामिक्स और जितनी मुख्तलिफ डाइवर्स सिचुएशन में जाएगा, वो तफसील के अंदर जो उसमें लेवरेजेस आनी है, जो उसमें रुख्सत आएगी या उसमें जो आपने इलास्टिसिटी अपनानी है कि क्या हाईज एंड लोज है उसके, हायर इवल है, सेंसिटिविटी उसकी, वो जो भी होगा वो आप वो एक महल की सब पर अप्लाई करेंगे तो इससे ज्यादा मुतशद्दिद रवैया क्या होगा, इससे ज्यादा सही, इससे ज्यादा स्ट्रेस लगी, इससे सबका हल नहीं, इससे आप कैसे कर सकते. ये चीज महज, तो इसका एक तरीके का है कि सारी जिंदगी टेस्ट करता रहे, एक्सपेरिमेंट करता रहे, मगर फिर भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कुल इंसानियत के लिए इतनी जबरदस्त सॉलिड किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन लेके आ गया हूँ कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओवर एवरीथिंग. ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन शरीयत का जो इल्म होता है वो एब्सोल्यूट डेफिनेट स्टैंड के साथ आता है कि यही है और इसके अंदर जितनी भी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस की तफसील है उन्होंने सब बता दी. ठीक है, ये इस सिचुएशन के अंदर ये चीज अप्लाई होगी, उस सिचुएशन के अंदर वो होगी, यानी मुख्तलिफ सिनेरियोस के हिसाब से चीजें और एब्सोल्यूट और अल्लाह के मुताबिक. ठीक है, अल्लाह के मुताबिक. अगर ये लोग मैक्सिमम भी कहीं जाएंगे तो वो नेचुरल मसल के लिहाज से अपनी एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ा सकते हैं, मगर पूरी कायनात का एक दूसरा रुख सुपर नेचुरल, उसको माइनस करके दावा तो बहुत से लोगों का है कि हम सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कर सकते हैं, मगर ऐसी बात है तो उस तफसील के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सुपर नेचुरल, मा फौकल फितरत, मा तहतल फितरत, हिस्सी मानवी एलिमेंट्स को ला के एक पूरा एक डॉक्ट्रिन बनाना, एक पूरा कानून बनाना, ये
बगैर इल्म पढ़े नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि मफहूम अगर बड़े रॉ फॉर्म में ही बेचना है, ठीक है, प्रेजेंट करना है, आपने आपने चीज समझ ली कि हर किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर अब आपने इसको किसी को समझाना है ना, तो इसके समझाने के अंदर जो लुगत इस्तेमाल होगी, जो लहजा इस्तेमाल होगा, जो बात कहने का अंदाज अपनाया जाएगा, जो लफ्जों का चुनाव होगा, और जो आवाज जो उसके अंदर अपनी एक जो जो लुगत और उसके अंदर आपका जो कलाम है सही, उसके अंदर जो हुसन है, अगर आप उसकी जो है, अगर आप उसकी ये पैकेजिंग और ये उसकी डायनामिक्स के साथ अगर उसको नहीं, फिर उसको समझाते हुए, जैसे आपको सवाल किया, अगर आपके सामने ये हो गया कि किसी हर किसी से हर किसी पे एतबार नहीं करते, अगर आप ये सिखाना चाह रहे हैं या ये डिलीवर करना चाहते हैं किसी भी मैन, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं इसके साथ मिलते जुलते तीन चार और कौन से भी पढ़ा। बिल्कुल ऐसे आप सल्लम से किसी ने पूछा ना कि क्या समंदर के पानी से वजू किया जा सकता है, तो आपने दूसरा वाला है वो जवाब दे, सवाल ही नहीं पूछा था वो आपने खुद ही बता, लेकिन वो उस टाइम पर आप समझ गए थे बेहैसियत है एक शारे और बेहैसियत है जिन पे शरीयत, क्लियर कर दूं ये बात। हां अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा सवाल करते हैं आप से कि हम सफर में जाते हैं तो वहां पे हम पानी पीने का लेके जाते हैं, अगर हम उससे वजू कर लें तो सफर इतना लंबा होता है तो हम पियेंगे क्या, खत्म हो जाएगा, और अगर वो पी ले तो वजू किससे करेंगे। तो सवाल पानी का था, सब्जेक्ट वॉज वाटर, द प्योरिटी ऑफ वाटर, इज इट ड्रिंकेबल या फिर उससे वजू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप सब ने जवाब दिया कि समंदर का पानी पाक है यानी तुम उससे वजू कर सकते हो। तो अगला जुमला आप सब ने फरमाया बहसियत टीचर आप सब ने कि वो सवाल जो अभी सामने वाले के जहन में भी नहीं आया आप सब उसका भी जवाब दे दिया, क्योंकि वो जिस तरह बताया शेख ने अभी कि एक एस्पेक्ट आप खोल रहे होते हैं कलाम का, लेकिन उसके साथ जो असल हुसन होता है ना वो तीन और चीजें खोलना होता है। तो आप सब ने कहा कि उसका जो मुर्दार है ना पानी का वो भी हलाल है तुम्हारे लिए। तो ये जो है ये चीजें शरीयत जो है इसको कैटर, मतलब या तो आप बना लें अपने, ठीक है, आप एक जाब्ता हयात बना के तो हमारा शरीयत पे एतबार ये कि जो पहली बात ये कि जो इसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह का कलाम है अल्लाह की बात है, अल्लाह जब एक मसले को देख रहा होता तो वो बहुत वसी सही बहुत वसत होती है इसमें उस हुसन के। एक तो वो बात जिस तरह की जाती है वो जिन अल्फाजों में कही जाती है वो देखो उसको मजीद, आपने सिर्फ यही कहना ना कि जो है ना झूठ बोलना जो है वो झूठ बोलना हराम है सही, मगर इसको जब शरीयत बयान कर रहा होता है ना, बयान कर रही होती है, वो सिंपल ये नहीं कह रहा होता कि झूठ बोलना रहा, वो एक अल्लाह ताला फरमाता है, नबी सल्लम का फरमान है जिसमें चार चीजें इकट्ठी हो गई मुनाफिक और खालिस सही, सस्पेंस क्रिएट किया जाता है फिर उसको निफाक से दिया, और जिसके अंदर इनमें से एक आध है तो उतना हिस्सा निफाक का, और कहीं पे खाली लानत के एलिमेंट कह दिया हराम कहीं भी लिखा, कहीं पर उसको नाम से कहीं पर ये कह दिया कि जिसने ये काम किया उसने ऐसे जैसे के खिंजीर के गोश्त में खून के अंदर अपने हाथ डाल दिए। तो बात करने मफहूम तो है सही, मफहूम तो लोगों के पास भी है, मफहूम ये क्या हराम है, मफहूम ये एथिक्स की बातें करने वाले कितने बैठे हैं सही, मफहूम को पेश करने के अंदर जो एक एब्सोल्यूट लेवल है वो हमारा दावा यह है कि वो शरीयत से ज्यादा किसी में, दुनिया में मफहूम बहुत से लोगों ने पेश किया मगर उसको नाकिस है, वो हर किसी को केटर नहीं कर सकते, उसमें तफसील की कमी है, उसमें तकरीम की कमी है, उसमें तजमील की कमी है, उसमें तहसीन की कमी है। ये चीजें जो है वो आप जब ये इल्म के साथ ना आपको ये सारे डायनामिक्स सीखने को मिले, यही तो इससे मुझे वो याद आता है कि मफहूम तो बहुत लोगों के पास होता है, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसमें वो लैक कर रहे होते हैं। अब कुरान करीम के अंदर मफहूम है, बहुत सारे मफहूम है, बहुत मफहूम है, अल्लाह आखिरत के बारे में कुछ मफहूम है, कुछ दुनिया के बारे में मफहूम है, जो कुफारे मक्का ने ट्राई किया था जिस मफहूम को उन्होंने अपना कुरान बनाना था उन्होंने किस पे बात की, हाथी पे। अगर वो हाथी को भी अच्छे तरीके से बयान करते ना विदाउट कॉपिंग दैट अल-कारिया मल-कारिया अल-फील मल-फील वमादा का मल-फील के हाथी हाथी क्या होता है और तुम्हें क्या पता हाथी क्या होता है, जो क्लियर कर देंगे ये है, ये असल में कुफारे मक्का ने जब असल उनको अपनी लैंग्वेज में बड़ा नाज था तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम अपना कुरान बनाते हैं, अगर वो साहब ही गए उनका भाई तुम पे क्या उतरा है,
अगर तुम नबूवत का दावा करते हो तुम पे क्या होता है? उसने कहा मुझ पे कलाम उतरा अलफीर मलफीर तो सहाबी हंस पड़े उसके ऊपर, हाथी हो हाथी तुम्हें क्या पता, हाथी वो तवील उसकी सोट लंबी होती है, उस तरह पूरा उसने ना कलाम बनाया, मफहूम था लेकिन मफहूम के अंदर वो हुसन और तजमील नहीं थी जो कुरान करीम चाहे आखिरत को मेंशन करने के साथ बयान करता है, दुनिया के किसी एस्पेक्ट को बयान करता है। उस दिन मैं ऐसी यहाँ पे सी शोर पे था तो मैंने देखा है कश्ती जो है वो समंदर को फाड़ती हुई जो है ना वो चल रही है। अब वो समंदर को फाड़ता हूँ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये कुरान के अल्फाज है मवाखिरा कि तुम देखते हो चीरते हुए जा रहे, हालांकि कश्ती चल रही है ये मफहूम है, लेकिन जो कुरान जब उसको बयान करेगा तो कुरान कहेगा जब तुम उसको देखते हो तो वो पानी को चीरते हुए जा रही है, यानी वो जो दो वेव्स का यूं जाना है और बीच में शिप का गुजरना है, शरीयत ने वो डिस्क्राइब किया है, कुरान ने वो डिस्क्राइब नहीं किया है, ये नहीं कहा कि वो कश्ती चल रही है और चीरती भी जा रही है, चीरती भी जा रही है। इस पर बहस हो, इस पर बहस हो, अब ये कुरान के एक बयान करने का तरीका है। तो जो शेख साहब के बयान करने का या फिर बात करने का जो मौजू का मकसद है वो ये है तो कि जो मफहूम जो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है उसकी जो असल एक्चुअल प्रेजेंटेशन है जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर हुस्न रखा है, अगर आप खुद से ऐसे ही हासिल कर लेंगे कायनात से कौनी तरीके से अपने तफक्कुर से, ठीक है मफहूम आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो हुस्न उसके अंदर मौजूद था जो अल्लाह ताला ने आपकी रूह की तस्कीन के लिए और आपके समझने के लिए अल्लाह ताला ने रखा था कि आपको अमल करने में भी आसानी हो, वो आप मिस आउट कर जाएंगे। इसको मैं खास समराइज हम वैसे बहुत छोटी एग्जाम्पल हो जाएगी कि आप इकबाल की शायरी इंग्लिश में पढ़ लें तो आपको मफहूम तो मिल जाएगा मफहूम, लेकिन हुस्न कुछ नहीं मिलेगा उसमें। आप शेक्सपियर उर्दू में पढ़ लें नहीं आप तो आपको मेरे ख्याल से मफहूम भी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप ये देखें ना कुल या अय्युहल काफिरून ले आप, सही जो ऑपोजिट पार्टी का रिस्पांस है ना वो एक ही फॉर्म है, वमा अंतुम आबिदूना मा आबुद, वला अंतुम आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, रिपीट रिपीटेशन है। और ये भी एक सवाल है वैसे सफा में आपको जवाब मिल जाएगा कि कुल या अय्युहल काफिरून सूरह काफिरून के अंदर ये आयत रिपीटेशन क्यों है, और अगर रेपिटेशन भी हुई है तो जो कुफारे मक्का कर उनका एक जैसा, लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पांस है ना जो दीन का वो है एक फेल फॉर्म में एक नाउन फॉर्म में, आबिदून और आबुद, ला आबुदु आबुदु वर ये, और ये, जो है जुमला फेलियो आबिदून जो है वो वाला है ना आबिद मा आबद तुम, हाँ तो एक जगह हो गया तो दोनों जो दोनों ने रिफ्यूट किया एक दूसरे को। तो अगर आप अरबिक पढ़ेंगे तो जुमला इस्मिया और जुमला खबरिया में जुमला फेलिया में क्या फर्क होता है और कौन सा पावरफुल होता है और सूरह काफिरून के अंदर कौन सा वाला सेंटेंस ज्यादा पावरफुल है और वो कुफार के लिए इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया गया, इसका जवाब आपको इंशाल्लाह हम सफा में देंगे। आखिरी वेबिनार है दो दिन रह गए मेरे ख्याल से, अगर आपको मौका मिल जाए वरना मुझे तो सीट्स फुल लग रही है। नहीं देखें तो ये चीज हमारा पहला ये है कि जो हुसन है जो डेप्थ है जो कवरिंग है और जो सबको शमूलियत करने के एतबार से जो है ना वो शरीयत के इल्म के अंदर है। आप किसी का कलाम सुन लें किसी की भी बातें सुन लें कोई ना कोई रह जाएगा या कोई ना कोई कभी रह जाएगी, दीन जब आप पढ़ेंगे ना और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे उसमें ऐसी हजार चीजें निकली। अब जैसे किसी ने आके पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें इस हराम काम के करने की इजाजत है, सही तो वो साहब एक ने आके बोला ना कि भाई मुझे हराम काम करना ही, हाँ तो वो जो भी वो काम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये भी दे सकता था नहीं ला ये जूस, आपने कहा ये हराम काम जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो तो ये हराम काम तुम अपने अपने लिए भी बर्दाश्त कर लो कि कोई तुम्हारे साथ ये हराम काम कर ले अगर, तो इसके ऊपर उसने कहा नहीं मुझे ये पसंद। तो ये जो उसलूब है ना ये डेप्थ है ये इल्म के, मफहूम तो आपको तर्जुमा से भी मिल जाएंगे ठीक है, लेकिन अगर तर्जुमा ही इल्म होगा और उर्दू तर्जुमा ही इल्म होगा हम इसके खिलाफ नहीं, अच्छी बात है दैट इज वेरी गुड, पढ़ना चाहिए कुछ नहीं होने से कुछ बेहतर, लेकिन वो जो उसकी डेप्थ बनेगी आगे जाके जो लोग पढ़ते जाएंगे शुरुआत में शायद इतना नहीं होगा लेकिन जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो उस मफहूम को उस मंतूक को जो वो कैनवस चाहिए होता है ना जिसके साथ अल्लाह ने उसको नाजिल किया और जिस तरह वो अप्लाई हो रहा होता है मुख्तलिफ महल के अंदर, ये असल चीज है जो इल्म पढ़े बगैर और ये दर्शन सामने के कोर्सेज किए बगैर नहीं आ सकती। शेख इसके अंदर एक और बात मैं ऐड करता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कि खाली ये पता होना मफहूम का क्या सही है क्या गलत है ये इल्म है, लेकिन असल इल्म के अंदर जो तासीर होती है वो ये है कि जो सही है मुझे करने की ताकत भी मिले और वो मुझे पढ़ के ही मिलेगी, जो मुझे जरिया ये बता रहा है कि ये चीज सही है वही जरिया मुझे वो मेरी तकलीफ का बाइस भी बनेगा कि मुझे करना है।
अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं बताया कि तहज्जुद की नमाज बहुत अफजल है, बल्कि उसी इल्म के साथ ऐसे ज़राए ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। तो खाली मफहूम का हासिल कर लेना कि क्या ब्लैक है क्या वाइट है वो तो ठीक है, लेकिन ब्लैक को मजीद सिग्निफाई करके और उसको मजीद रिकग्नाइज करवा कर और उसको मजीद इतना आपको सामने विजिबल करा के वो इल्मी कराए, उसके साथ जुड़े हुए जराए होंगे जो आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दिए, एक दफा बोलते थे अल्लाह ताला के झूठा राम, एक दफा बोलते थे जिना राम है, एक दफा शराब राम है, नहीं, बार बार ये कभी मुनाफिकत के साथ जोड़ दिया, कभी ये फसाद के साथ जोड़ दिया, कभी ये फासिकों के साथ गुनाहगारों के साथ जोड़ दिया, कभी इन्नल्लाह ला युहिब्बू के साथ जोड़ दिया, कभी अल्लाह पसंद नहीं करता, कभी इंसान मुनाफिक हो जाता है। फजर की नमाज के बारे में आता है, जो फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला के जिम्मे में होता है, एक तरफ ये बोल दिया, दूसरी तरफ कहा कि मुनाफिक पे फजर और इशा की नमाज भारी होती है। अब एक ही नमाज है, सब्जेक्ट क्या है, फजर की नमाज, सब्जेक्ट फजर की नमाज, एक जगह उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, एक जगह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो जो ये आप साइकोलॉजी का ये एस्पेक्ट है कि जहां पे आपको मोटिवेट किया जा रहा है या डराया जा रहा है, वो इल्म के साथ आप मफहूम तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके साथ कभी कभी इंसान ज्यादा डर जाता है। अब ये भी केस है कि मफहूम तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन कहीं पर उसका जवाब बन रहा होता है, कहीं पे वहां पे कम सख्ती होती है, ये भी इल्म सिखाएगा ना, वरना शिद्दत इख्तियार कर लेंगे, नहीं जी ये हो ही नहीं सकता, या ये इसी तरह होगा, वही शिद्दत यही इल्म से दूर होती है। जब वो एक सहाबी पे जो है वो गुस्ल जो है वाजिब हुआ और उन पे सर के ऊपर जख्म था, तो दूसरे सफर में थे, दूसरे सहाबी ने नहीं नाना तो पड़ेगा, गुस्ल तो करना पड़ेगा, उन्होंने गुस्ल किया, उनके हाल हो गया। अब यहाँ पे जवाब निकल रहा था कि तैमम से काम चल सकता है अगर बीमारी है या पानी नहीं है, ये भी इल्म मफहूम क्या था कि अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो गुस्ल करना फर्ज है, ये मफहूम है, लेकिन उस मफहूम के साथ डिफरेंट सिचुएशंस के साथ जुड़ी हुई हालतें जो है वो इल्म ही सिखाएंगे, इल्म बड़ा इल्म सिखाएंगे। अब वो सिचुएशन, कभी सिचुएशन बदल जाएगी, कभी सामने वाला बंदा बदल जाएगा, कभी टारगेट ऑडियंस बदल जाएगी, कभी माहौल बदल जाएगा, कभी मौसम बदल जाएगा, कभी कभी आपके हालात बदल जाएंगे, कभी आपका इल्म के ऊपर नीचे हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि एक जो हालात बदलते हैं, इसलिए ना अधूरा इल्म नुकसान दे, अधूरा इल्म खतरा जान, अधूरा इल्म मजे का भी नहीं है, और अधूरा इल्म जो है ना वो मोटिवेट भी नहीं करता, वो लोगों को दूर कर देता है वो थोड़ा सा, लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं ना, उसके वक्त लगाते हैं, फिर उसका आपके ऊपर ना सही मजा आता है। लेकिन अभी अगर हम इनिशिएटिव भी ना लें, बढ़े भी नहीं, रिस्क भी ना लें, तो दुनिया में आदमी तरह कुछ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम मफहूम पे अगर हम बात कर रहे थे कि इल्म पे जो हम ले रहे हैं, एक इल्म होता है जो हम कायनात से ले रहे हैं, जिसको हम आयत कौनिया बोलते हैं, कौन कौन का मतलब नेचर, और दूसरा वो होता है जो हम शरीयत से ले रहे हैं। तो क्या आयत कौनिया, अल्लाह ताला कुरान में कहता है मुंह देखो, अफला यंजुरूना इला इबिल कैफा खुलिकत वइला समाई कैफा रुफ्यत, आसमान देखो चांद सितारे देखो, इससे इल्म हासिल करो। अब तुम्हारे हालात जो है जिंदगी के, उनसे भी इल्म हासिल करो, इदराक करो चीजों का, ये इंसान के इल्म को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको बोलते हैं तफक्कुर। और जो शरीयत का इल्म है कुरान और सुन्नत का, उसको हम बोलेंगे, अगर हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं तदब्बुर। तो क्या खाली तदब्बुर काफी है या फिर तफक्कुर काफी है? अगर मैं खाली इसी तरफ चले जाऊं और तदब्बर को छोड़ दूं, या फिर कुरान और सुन्नत पढ़ लूं और दुनिया को छोड़ दूं, तो मुझे बताएं कि कौनी और शरई दोनों इल्म को साथ इंतजाज करके जो इनपुट लेना है, इसकी क्या अहमियत है? देखें, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा जो फितरत में उसकी ख्वाहिश है ना, वो है उसकी अपने रब के साथ कनेक्टिविटी और अलाइनमेंट की। सही, मैंने कितने लोगों को सुना है, वो बात कर रहे होते हैं लेकिन वो बात कुरान हदीस की होती है, मगर उन्हें कुरान हदीस का पैकेज अरबी और डीपर डेप्थ उसको प्रेजेंट करने का कुरान हदीस आता है, लेकिन वो बात अहम फितरत की कर रही है। तो दुनिया और कायनात के अंदर अपने डिस्कवरीज के साथ एक्सप्लोर करके उसूल ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन उसका चेक नहीं करना चाहिए। देखें, फॉर दुनिया में चेक एंड बैलेंस हर इंसान करता है, लोग बड़े बड़े लोगों का लेक्चर सुनते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स का लेक्चर सुनते हैं, बड़े बड़े कोचेस का लेक्चर सुनते हैं, क्योंकि यार मेरी बात इनसे, अब एक 50 साल का शख्स जो है वो क्यों कि मेरी बात इसे रिलेट कर रही है नहीं कर रही। मुझे कितने लोग, मैं जाता हूँ जाके पढ़ा भी रहा होता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, लोग ये कहते हैं, लोग पढ़ने थोड़ी आए, लोग कुछ तो चेक कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, मेरा तजर्बा और शेख आतिफ का एक्सपीरियंस जो है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा आपस के अंदर। इसी लिहाज से अगर हम अलाइन नहीं करेंगे शरीयत के साथ, क्या भाई मैंने एक पजल सॉल्व की, मैं चेक तो करूं कायनात का सबसे एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन जो है उससे मेरी बात मैच करती है नहीं करती। दूसरी बात,
जिसमें बीम पड़ा हुआ है और जिसमें महसूस पड़ी हुई और जो इन डेप्थ गया हुआ, क्या वो उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अलाइनमेंट नहीं चेक करना चाहिएगा कि ठीक है भाई मैंने एक चीज सीखी कि वैसा खाता हुआ हूँ जाहिर हूँ पालू सलाम। किसी जाहिर के साथ जब आपका टाकर हो तो सलाम करना एंगेज नहीं हो, मैं इसको देखूं तो सही, मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा मुझे पता नहीं। तो जब अल्लाह की बात और इंसान की डिस्कवरीज की आपस में अलाइनमेंट होती है तो तभी तो इंसान को पता चलता है कि जी मैं अपने रब के साथ और मेरा रब मेरे साथ किस तरह है और क्या हिसाब किताब है हमारा। लेकिन लेकिन अगर हम उसमें बैठे रहेंगे तो हाँ हम ये तो एंड में कह सकते हैं जी मुझे जो आई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है, लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर कि क्या अल्लाह भी यही चाहता था या नहीं, कि अल्लाह की भी मुराद ये थी। तो ये मुरादों का आपस, मेरी मुराद और रब की मुराद और मेरा फैसला और रब का फैसला और मेरी हिकमत और रब की हिकमत और मेरा फतवा और रब का फतवा अलाइन है या नहीं आपस में, और मैं जिस तरह सोच अल्लाह जिस तरह सोच क्या जो है मामला मैं उस तक इदराक कर सका नहीं कर सका उन चीजों को। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइंडिंग है इंसान की, कितनी बड़ी बात है जब हम कहते हैं जी मैंने 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 शॉट मारा उस दर्द प्लेयर ने के साथ मेरा मैं मिलाया, मैंने सोचा उस मेरे थिंकर के साथ मिलाया, आपने सोचा रब की बात आपसे इसकी। बल्कि मेरे पास एक मिसाल भी है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जो उनका मशवरा होता था वो वही में उतर जाया करता, यानी हजरत उमर ने जब अजान की बात की तो अजान का हुक्म आ गया। ये देखें कितना ये आप मैच किस तरह कर रहे हैं अब, ये जब भी उनके बारे में कहा कि मेरे बात भी नबी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, क्योंकि वो इतना ज्यादा डूब चुके हुए थे उसमें कि वो बात बिल्कुल मैच कर, अभी वही आती नहीं थी लेकिन उनकी फितरत एन उस अलाइन होती थी कि यही उतरना हो, और ये पर्दे के मामले में भी यही हुआ, अजान के मामले में भी यही हुआ, और गालिबन एक और वाकया था जिसमें यही हुआ कि उनकी फितरत जो है वो एन उस बात को डिमांड कर रही थी कि वही ये होगी। तो पढ़े बगैर पढ़ना नहीं है तो पता कैसे चलेगा अल्लाह की मुराद और मेरी मुराद एक है या नहीं, मेरी लाइफ की सारी डिस्कवरीज और रब की बात एक है या नहीं। जब हम ये फाइंड ही नहीं करेंगे तो आप में डाउट जरूर होगा, एक लिहाज से वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी कि भाई मेरी बात बेटर है। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो अगर थोड़े से एक्सप्लेनेशन कर दें आप नूर अला नूर की कि वो क्या मसली मिश्कात फीहा मिस्बाह, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह नूर समावाती वाला, एक मेरा नूर है शरीयत का दीन का वही का और एक तेरा नूर है सीने के अंदर तेरा। तो ये इंसान के अंदर जो हक को फाइंड करने की पावर और जस्तुजू और जो स्ट्रगल है उसको नूर का है, और वो किसे लैंटन के अंदर मिश्कात फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फीहा ज़ुजाजा फी ज़ुजाजा, कि एक वो लैंटन है उसके अंदर एक दिया है और दिया जैतून के दिया से जल रहा है, ला शर्किया तुम अला गर्बिया, ना वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ना वो राइट पे एक्सट्रीमिस्ट है ना वो लेफ्ट पे एक्सट्रीमिस्ट, अगर उसे बैलेंस रखा जाए और उसे सही तरीके से हार्नेस और ट्रेन किया जाए, फितरत सलीम हो फितरत सालिम हो, फितरत की इब्तिदाई एजुकेशनल जो इंडिकेटर है उसने उसकी फितरत को डिस्टॉर्ट ना किया हो, फितरत कभी ना बनाया हो, तो यकाद हो गई तो यदि अगर कि आग अगर टच भी ना करना अल्लाह की बात आएगी और उसकी बात आपस में इतनी अलाइन हो गई कि वो आग जल जाएगी, इट वुड बी अ ब्राइटेंड स्टार्ट एट दैट टाइम। तो मेरे ख्याल से ये आयत जो है अगर आप, ये मैंने खाली आपको खाली एग्जांपल दी है, मैंने इसलिए दी है कि अगर आपको तफसीर पढ़नी है सफा के अंदर तो हम इस तरह तफसीर पढ़ाएंगे, इसको हम साइकोलॉजी के साथ सफा में नहीं, आप देखें आप सिर्फ सफा अभी सफा की बात चल रही है, हम जान ही रहेगा इंशाल्लाह अभी सफा लॉन्च हो जाएगा दूसरे कोर्सेज सब कोर्सेज के अंदर यही बात है, लेकिन इंशाल्लाह तो ये बात हो गई हमारी आयत कौनी और आयत शरिया में कि खाली कौनी इल्म का इदराक करना कि मैं खाली नेचर से इल्म हासिल कर लूं और मैं शरीयत की जरूरत नहीं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो आपने मफहूम निकाला है वो सही है नहीं है, क्या अल्लाह ताला भी वही चाहता है, क्या अल्लाह ताला की भी वही मुराद है या नहीं है, कि आप ये तो जान सकते हैं एक चीज सही है गलत अपनी अकल से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की मुराद के मुताबिक सही है गलत आपके मुताबिक हो सकती है कि भाई ये करना सही है वो करना गलत है। इस तरह हम कांटियन एथिक्स के अंदर पढ़ाते हैं उसूल फिक के अंदर कि वो कहता है कि इंसान की अकल को छोड़ दो और वो खुद फैसला कर ले, इफ एनीथिंग इज रिवर्सिबल एंड यूनिवर्सल तो बात ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये कांट जो एक बड़ा फिलोसोफर है, तो वो जो है वो हक पे और इल्म के ऊपर और मफहूम के ऊपर बात नहीं, इस पर मैं एक थोड़ी बात करूंगा कि जब मैं आया ना इस मैदान के अंदर पढ़ने के लिए हमारे एक उस्ताद को मैंने कहा जी वो कहते हैं जी अकल बहुत बड़ी चीज, इंटेलेक्ट कोई बड़ी टॉप की चीज है हर चीज सॉल्व कर सकती, उन्होंने कहा अकल वाकई बड़ी अल्लाह कुरान में कहता है फला ताकुलू सही ये उलुल अलबाब के लिए आयतें हैं इन्ना फी ज़ालिका लायतन लिउलिल अलबाब,
अकल, उन्होंने कहा अकल, अकल ने अल्लाह को माना, अकल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, तो अकल ने ये माना कि ये बड़े मैं छोटी। अकल अगर ये कहती है ना मैंने अल्लाह को माना और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो इसलिए मैं बड़ी हूं, तो ये अकल का फतूर है आगे से। फिर इसका जो हमें कॉन्सिक्वेंट दिखता है वो ये है कि जो शरीयत अकल के मुताबिक होगी वो ले लेंगे, जो अकल में समझना है उसको हम तर्क करते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये वेरिएबल एलिमेंट है, फितरत भी वेरिएबल एलिमेंट है, हर किसी की अकल डिफरेंट है ना, अकल का कोई एक मीजान ही नहीं है। ये हम उसूल फिक्ह की पहली लहर से पढ़ाएंगे, ये हम इंशाल्लाह उसूल फिक्ह में इस बार मैं पढ़ाऊंगा, शेख आतिफ आप नहीं, यही पढ़ाएंगे आपको, मैं तो एमए में लग लिया मुझे ऐसी बात है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पूछ रहे हैं कि व्हाई डिड यू नेम इट अ सफवा, व्हाई डिड यू नेम अ सफवा, आप बताएं। वेल मुंतसर सिलेक्टेड, एक्चुअली इसकी जो थीम है ना वो चोजन है, जिन असबाब का इंतखाब किया गया है वो भी सफा है, जिन लोगों का इंतखाब किया गया है वो भी सफा है, जिन टीचर्स का इंतखाब किया गया है वो भी सफा है, सबको सफा है, हम सबको नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक इसके पीछे थॉट थी, बाकी इंशाल्लाह इस पर हम मजीद बात करेंगे। यहाँ पे क्योंकि इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें और पता नहीं कहाँ कहाँ से, अभी मैंने आज पहली बार मैंने जरा रजिस्ट्रेशन मैंने क्या इस बार चल रहा है हमारे शूट करके क्या काउंट है और कितने लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं कहाँ कहाँ से, तो मैंने देखा कोई जो है वो माशाल्लाह से फिनलैंड से, स्पेन से और पाकिस्तान में भी गरीब थोड़े कम इलाकों से भी, लोअर जो इलाके हैं, टेरेन हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां से भी, यानी मैं कह रहा हूँ इतना डाइवर्स क्राउड है, तो क्योंकि हर किसी के हालात डिफरेंट होते हैं, एक्सपोजर डिफरेंट होता है, उनकी तरबियत डिफरेंट होती है, उनका समझने का उनका देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बात करें कि तस्किया जो है कबल तालीम भी है और बाद तालीम भी है, आपका मशहूर नुकता है, अक्सर लेक्चर में मैंने भी सुना है, मैं चाह रहा हूँ कि आज वो लोग भी सुने कि भाई तस्किया कहते हैं प्योरिफिकेशन को, तस्किया नफ्स को, अपने दिल को साफ करने को, अपनी बीमारियों को निकालने को, अपने दिल को पाक करने को, अपने जहन को फतूरों से पाक करने को, अपनी गलत आदतों को छोड़ने को। तो ये तस्किया जो है शरीयत के अंदर इल्म से पहले भी है, इल्म के बाद भी है। अगर इल्म से पहले ना किया जाए तो क्या होगा और अगर इल्म के बाद ना किया जाए तो क्या होगा, इस पर मैं चाह रहा हूँ बात करें। असल में मसला ये है कि कुरान के अंदर एक आयत आई है कि लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इस्बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, हमने मोमिनों पे इससे बड़ा क्या इनाम किया है, उन पर एहसान किया है कि हमने उन्हीं में से एक रसूल दे दिया, हमने उन्हें उनकी अकलों के हवाले नहीं, ठीक है, ये भी दलील जाती है, हमने उनको उनकी अकल, ये देखे यहाँ पर दलील आ गई है, इस्बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हें उनकी जेनेरिक्स तक तो छोड़ दिया होगा, इजमाल जिसे हम कहते हैं, तफसील पे उनको हमने कहा कि उन्होंने नबी भेजा वो बताएंगे इनको कि यहाँ ये मुराद है अल्लाह की, यहाँ ये मुराद है, यहाँ सोल्यूशन ये, यहाँ सोल्यूशन ये, और वो क्या काम करते थे, अंबिया का मनहज ये था सारी जिंदगी, वो चार काम करते थे, मतलब पहला तो यत्रु अलैहिम आयाती, ये तो कुरान की मतलब अल्लाह की कॉन्सेप्ट को उनके आगे तलावत करते थे, और उसके आगे युजक की हिम, ये तो मतलब आई जो मेन इसमें तीन है, युजक की हिम किताब, तो यहाँ पर पहले तस्किया है, फिर तालीम है, फिर हिकमत है। एक और आयत के अंदर ना ये क्रोनोलॉजी चेंज हुई है, वहां है युअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा वयुज़क्कीहिम, तो तस्किया जो है वो एक में है, तस्किया इल्म और हिकमत, ये एक में है तस्किया इल्म और हिकमत, और दूसरे में है इल्म हिकमत और तस्किया, तो इसमें आप ये उसलूब है, आपको भी पता है कुरान में कुछ भी आगे पीछे अगर होता है ना ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता, जानने के लिए आपको सफर ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल रहे, लोग मांग रहे हैं, लोगों को बता दें ऑनलाइन कोर्स है, मैं साथ साथ बताया चलूं, वो कहेंगे अपनी बातें कर रहे हैं हमारे, हमें तो बता नहीं रहे, नहीं नहीं वेबिनार में आपसे भी इंटरेक्शन चल रहा है, आपके सवाल आपके, मेरे ख्याल से तो सफर में कोर्स चल पड़ा है, वेबिनार जी जी चल रहा है इंशाल्लाह, इल्म है सारा, हम ये भी पढ़ाना शुरू हो गए इंशाल्लाह, तो इसके ऊपर जो ना बड़ा अच्छा नुक्ता शायद मेरे ख्याल से इमाम ने कईम रहमतुल्लाह ने लिखा था कि जो अल्लाह ने क्रोनोलॉजी में इसको पहले किया है और उसको बाद में किया ना, वो ये है कि तस्किया इस सिलसिला तकमील में, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रिफॉर्मेशन रेक्टिफिकेशन रीइंफोर्समेंट रीवैम्पिंग रीडेवलपमेंट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसान की तकमील या किसी इदारे की तकमील या किसी स्टेट की तकमील या उम्मत की तकमील के अंदर जो तीन आर्टिकल्स है ना वो है तस्किया
तालीम और हिकमत। मगर तस्किया आगे पीछे इसलिए मेंशन किया गया कि इंसान अपने इल्म को बगैर अपनी नफ्सियात को पाक किए बगैर सीखेगा ना तो इसमें शिद्दत आएगी और ये पागल बन सकता है। तो वो जो आदतें हैं वो उसी इल्म से दलील बना लेंगे कि मैं ठीक हूं। हाँ मतलब वो अगर इल्म बगैर नफ्स ठीक किए हुए किया तो ये बबाल है, ये शैतान था। और अगर दलील देना आ जाएगी ना, अना खैर उम्मिन अना खैर खलकता नहीं मैं लारी और खलकता उम्मिन थी। अल्लाह ने पूछा ना कि मां बना कर अल्लाह तो क्या चीज इस अमर तो कितना जबरदस्त है। इसी में जवाब है इस अमर तो मैंने कह दिया कि मैंने हुक्म दे दिया अल्लाह की बात किसी दलील या अल्लाह की दलील से नहीं मानी जाती। अल्लाह कह रहे मैंने कह दिया बात खत्म, इस अमर मैंने कह दिया बात के अंदर कोई लॉजिक मुझे कह नहीं। तो अब इसके अंदर जो ना उसने आगे से कहा अना खैर उम्मिन मैं उससे गई खलक, ये है कि तस्किया इल्म तो था, इल्म था मगर तस्किया नफ्स नहीं। सुधार बहुत बड़ा आलिम, सारी वही का इल्म उसके पास, तमाम उसने वहीयों को देखा, बल्कि मैंने आपने नहीं देखा जो उसने देखा। और उसको जितना गंदा गुमराह करना उसको आता है वही के अंदर से, और किसी को नहीं आता होगा। उसको लॉफर पता है कौन सा वाली डाइज है किस किस्म से गुमराह होती है। तो तिलवी से प्लीज भी अगर तस्किया बगैर इल्म के हो, अच्छा अगर इल्म बगैर तस्की हो के हो तो शैतान बनेगा, और तस्किया बगैर इल्म के हो तो ये गुमराही भी एज हो सकती है कि नेकी तो है तकवा परहेजगारी तो है मगर हर महल के अंदर जो सोल्यूशन प्रोवाइडिंग है इल्म है बस वो शेयर मौजूद किस जगह पे क्या है किस वजह से वो ही नहीं आता होगा। तो नीयत अच्छी थी, इरादा अच्छा था, रोड मैप नहीं है सही। हम मतलब कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी है, हमारे पास सारा सामान भी है, पेट्रोल सही रखे, गेजेस पे नजर रखे, अपना पानी ठीक रखे, तस्किया का काम ये है सफाई सुथराई, इंजन बिल्कुल सही जा रहा हो, आपने कहा रोकना है सब, और रोड मैप आपको बताएगा कि आपने गाड़ी कहां लेके जाए, दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी यू गोइंग टू बी डेविएटेड और इधर गोना डाई। तो जो सफा के अंदर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके तस्किए के ऊपर भी इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे, जिसमें हम कुछ कोर्सेज और जो फैकल्टी होती है वो इस पे फोकस करती है कि इखलास पे अल्लाह ताला के लिए लिल्लाहियत, अपने नफ्स से ये सारी जो गलाजतें हैं, जो हसद है, जो बुगज है, जो कीना है, जो गीबतें हैं, इन चीज़ों को पाक करना, डाउट्स को निकालना, शिर्क को निकालना, बिदात को निकालना, ये तस्किया है इल्म हासिल करने से पहले। और इल्म हासिल करने के बाद जो शेख साहब की मुराद है वो ये है कि इल्म हासिल करने के बाद भी बंदे के अंदर ह्यूमिलिटी हो। अगर एक बंदे ने लड़ाई झगड़ा करने के लिए उलमा के साथ इल्म हासिल किया कि मैं डिबेट करूं और मैं लड़ूं, तो उसको बड़ा जो है वो डिसक्रेडिट किया शरीयत ने, और बड़ा जो है उसके बारे में वईदे हैं कि जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करे। तो आप जो है वो इल्म हासिल करने के बाद तस्किया के ह्यूमिलिटी, हाँ आपको अगर कोई चीज समझ आ जाए, कोई नुकता समझ आ जाए, तो उस्तादों के आगे हम्बल रहना, दूसरों के आगे हम्बल रहना, जिसकी आप तस्की करना चाह रहे हैं, जिसको आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, उसके साथ जरा नरमी से पेश आना। और इमाम शाफी कहते थे ना तस्किया की मिसाल क्या है कि जिसके पास इल्म भी और तस्किया भी हो। इमाम शाफी कहते थे कि मेरा किसी से अगले दिन मुनाजरा होता था, डिबेट होती थी, मैं रात तहज्जुद पढ़ के उसके लिए दुआ करता था कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अगर ये हिदायत के काबिल है, अगर ये हिदायत के काबिल नहीं मुझे इसके शर से बचा दे। ये होता है तस्किया कि इंसान के पास इल्म भी हो और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी हो। लोगों के पास इल्म आता है सेल्फ कंट्रोल खो जाते हैं, और जिनके पास इल्म नहीं होता उनके पास बड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं करने को। तो ये जो है पॉइंट था। तीसरा जो हमने अभी बात की कि तस्किया कबला तालीम और तस्किया बादल तालीम, मैं चाहूंगा कुछ और हम इनको टीजर्स दें कि कुरान के हवाले से। अभी इन्होंने बड़ा आसान समझा है, जैसे अभी लाइव हमारे पास जितने भी लोग हैं, मेरा एक मुजैफा महबूब भी आ गए, अच्छा जी कैसे हैं आप। अच्छा यहाँ पे एक टीजर है छोटा सा कि आप मुझे जवाब दें, कुरान के अंदर बहुत इल्मी शख्सियात भी हैं, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप जाने कुरान का एक फ्लेवर क्या है जो आपको सिखाना चाहते हैं, जो हम जिक्र भी कर रहे थे उतुल किताब आते ही ना होने का कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला दो आयतों के अंदर या बहुत सारी आयतों के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल करता है किताब के साथ कि उनको किताब दी गई, उनको किताब दी गई, उनको किताब दी गई, उतुल किताब, उतुल किताब पैसिव है, उनको दी गई। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको किताब दी, हमने उनको आता ही ना उमुल किताब, हमने उनको किताब दी। ये आयत मैंने निकाली हुई है, आयत क्या है जी, आयत है वल्लदीना आता ही ना उमुल किताब, वो जिनको हमने किताब दी
वो ईमान लेके आते हैं उस पे जो उनकी तरफ भेजा गया है, ये मोमिनीन के साथ हो गया। दूसरा है कि अलम तरा इलल लदीना उतू नसीबा मिनल किताबी, आपने उनको नहीं देखा जिनको किताब दी गई। मैंने नहीं दी, असल में उतुल किताब आप लाने क्या चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जरा ये पूछें कि ये दो डिफरेंट क्यों है, हालांकि किताब दोनों को अल्लाह ने दी है, एक के साथ अल्लाह कह रहा है मैंने दी है और दूसरे को कह रहा है दी गई। देखिए माशाल्लाह से हम देख लेंगे, हमारे उस्ताद अदील आरफिन इसी तरीके से पढ़ाते हैं क्लास के अंदर भी, इसी तरीके से आपको इंटरेक्टिव सेशंस कराए जाएंगे। देखिए उतुल किताब और आते ही ना होमुल किताब जो है ये दो बातें हो गई, क्यों गा के भाई किताब दोनों को अल्लाह ने दी है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ये ग्लास मैं यहाँ एक दफा मैं कहीं पे कह रहा हूँ ये ग्लास दिया गया और मैं कह रहा हूँ मैंने ग्लास दिया, कहीं पे मैं कह रहा हूँ मैंने दिया और कहीं पे कह रहा हूँ दिया गया, ये अल्लाह ताला ने उसलूब क्यों बदला हुआ है कुरान में, और एक ही रीजन की वजह से बदला हुआ है और बेशतर जगहों पर यही है। वो नुक्ता बता दें जल्दी से, हम सुन रहे हैं आपको। राजा मोहम्मद आसिफ जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। राजा मोहम्मद आसिफ जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं इसमें असल, हाँ ये असल में जो ये सवाल से शौक पैदा करना चाह रहे हैं ना आपके अंदर के, देखें जब आप कुरान में जाएंगे उसकी तफसीर के अंदर आपको ये बड़ी चीजें मिलेंगी कि कहीं पर इमरात आ रहा है और कहीं पे इमरात आ रहा है, कहीं पे ता मरबूता है छोटी वाली, कहीं पे ता मरबूता है छोटी वाली और कहीं पे ता जो है वो नॉर्मल वाली है दूसरी वाली। हाँ। तो इमरात इमरान में अलग है, इमरात अजीज में अलग है, इमरात अजीज में भी इमरात इमरान में भी वही है, लेकिन कहीं पे ता मरबूता है वो गोल ता आती है और कहीं पे वो आती है नॉर्मल उर्दू वाली ता, ठीक है, उर्दू स्टाइल की ता है, ठीक है। तो ये बात तो औरत की हो रही है मगर इमरात के अंदर भी एक गोल ता और एक में वो ता क्यों इस्तेमाल हो रही है, मतलब इसमें बड़े गहरे उलूम है, बड़ी गहरी बातें हैं समझने की कि भाई जिसको शौक लग जाए। देखिए हम तो जब आए थे हमें तो ये छोटी छोटी चीजें इतनी अट्रैक्ट करती थी कि इतना छोटी छोटी चीजें क्या है, मतलब कि मेरे तो समझे एक नुक्ता मिलता था ना पूरा दिन अच्छा गुजरता था कि आज कोई नुक्ता मिले। और मतलब तुम्हें ये पता है तुम्हें मतलब अच्छा वो डाउन करना नहीं होता, वो एक नुक्ता क्योंकि वो भी शेयर करेगा ना, कल उसने एक महफिल में एक नुक्ता शेयर किया था और मैं फील कर रहा था यार मुझे नहीं आया यार, मैं कुछ ज्यादा गुनाहगार हो गया मुझे नुक्ता नहीं आया, तो फिर किताब को ये नुक्ता मिला आज आज जो बात होगी। तो वैसे ही आप माहौल बना हुआ था लॉकडाउन से पहले चाय वाय लोग बैठते हैं, मेरे ख्याल से यार एक ऐसी भी कह रहे हैं ये नुक्ता पता ये पता। और अभी हम क्योंकि लॉकडाउन के अंदर कहीं बैठ नहीं रहे तो हम व्हाट्सएप पे ये कर रहे हैं आजकल, और ये आते ही ना और उतुल किताब ये आपने शेयर किया था। नहीं, मैं तो वैसे ही लेकर हमारे भी दोस्त यार हमसे बातें शेयर करते रहते हैं। अब जैसे ये देखे ना कि अब एक जगह आता है इकरा बिस्मे रब्बी का लजी खलक, यहाँ बिस्म के साथ जो है बिस्मे रब्बी है नहीं पीछे इकरा फेल लगा सही है, और वहां बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा वहां नाउन के साथ आया, तो बिस्मिल्लाह का जो मुकदर निकालना है आपने ये जिस फेल से मुतालिक है वो बिस्मिल्लाह में जी आपने बिस्मिल्लाह के फेल का मुताल्लिक निकालना है अगर आप चाहते हैं कि नहीं फेल हम बिस्मिल्लाह का जो असल निकालेंगे फेल निकालेंगे इसम निकालेंगे हम अब तो शुरू में निकाले आखिर में निकाले एम्फेसिस आखिर से होगा शुरू से होगा ये सीखने के लिए आपको अरसलान उस्ताद अरसलान से अरबिक पढ़ना पड़ेगा। नहीं जैसे छोटी सी बात है ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा बड़ा लिटमस टेस्ट है ये, मैं जहां भी जाता हूँ बात करता हूँ रहमान का मतलब रहम। चलिए आज मैं आपसे ऐसा सवाल करना चाह रहा हूँ जो देखिए जी जवाब आपको मिलने लगा है आज जो किसी यूनिवर्सिटी में जवाब नहीं मिला ये अरबिक में बा जो है ये आजकल ये बताना कितने किस्म की होती है। नहीं देखिए फिर आप कहेंगे आप हमेशा हर जगह ये कहते हैं कि बा 10 किस्म की होती है, तो इसके साथ तो कोई इंकलाब नहीं आना ना। देखें बा 10 किस्म की बा 10 किस्म की होती है, इतना हमने जवाब दे दिया आपको मजीद पढ़ने के लिए आपको सफर बा 10 टाइप्स की होती है, बा के मीनिंग 10 टाइप्स की बा मुसाहबत की बा जायदा बा और मतलब आप देखें जरबा के तीन मीनिंग है, जरबा मारने के मीनिंग में भी है, ट्रैवल की मीनिंग में भी है, चलने इजा जरब तुम फिर अर्जी फी के साथ आता है तो अक्सर ट्रैवल की मीनिंग, और अगर बा के साथ आता है सिले बा के सिले के साथ आता है तो जो है वो मारने के साथ मतलब जरबा समझाने की मीनिंग है, बयान करने की मीनिंग जज़रबुल्लाहु अमसाल। अब देखे ना बयान करना है मारना है दोनों एक ही लफ्ज है अरबी में। अब ये हम तो आपसे कह रहे हैं हमने ये इसलिए नहीं की कि हम अपना नाउज़ुबिल्लाह अपना इल्म झाड़ रहे हैं, हम तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने आना है और एक दिन ये सब आपका हो जाएगा कि आप चार महीने बाद बोल रही होंगी योर टॉक इज नॉट एट ऑल इंटेंसिव। हालांकि यही तो लिटमस है कि हम आपको इंकरेज कर रहे हैं आए
अगर आपको ये सब चाहिए कि आप कुरान पे बैठ के, हमने वो क्यों सुनाया आपको, जरा भाई अजरीबु जरबन फाउजारी भाई उजरबु जरबन खाली बताने के लिए होती है कि भाई इतना इल्म का समंदर है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह का दीन जो है, इतना इतनी सारी किताबें जो पढ़ी है, मैं तो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी लोगों को बोलता हूँ ये पूछेंगे किताबें क़यामत के दिन आप लोगों से, मुझे पढ़ा ही नहीं किसी ने, खोला ही नहीं। वो मैथ्स के सिलेबस दी 1 2 3 4 ये किसी ने खोला कि ज़ादुल मसीर की 1 2 3 4 हम खोले। आप दुनिया की तालीम के ऊपर भी ज़र्ब ना माने ना। नहीं ज़र्ब नहीं माने। की ज़र्ब माना भाई वो तो ठीक है, भी पढ़े मैं खुद भी पढ़ा भाई, हमने अपने बैचलर्स किया, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ ही किया, ऐसी बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन जो है दुनियावी नुकसान, ये भी इंटेंसिव क्यों, अबे इंटेंसिव तो एडवांस भी है, इंटेंसिव तो केमिस्ट्री भी थी, इंटेंसिव तो अलजेब्रा क्लास 6 से थी, इतनी मुश्किल लगती थी, लेकिन अब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा मैंने मतलब हम मैं चाह रहा आप जो है ना ये थोड़ा सा जरा तादील रावी रुवात और ये जो किताबों के अंदर से इल्म जानना कि भाई हदीस सही है ज़ईफ है रावी। मैंने वो टीजर देखा ना जो पेज पे आया है कि जब एक सिखा रावी अपने से औसत की मुखालफत करता है तो उसे शाज कहते हैं, मैं इतना सुकून मिला पढ़कर, शाज कहते हैं मुझे तो याद आ गई बहुत, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया वो चूल्हा, मैंने कहा सिक्का रावी। अब सिक्का रावी क्या होता है, अब सिक्का उर्दू में सिक्का तो सिक्का कॉइन को बोलते हैं, अरबिक में सिक्का बोलते हैं, सिक्का बोलते हैं, सा के साथ ये बोलते हैं उसको, जिसमें जो बहुत क्रेडिबल बंदा हो ना, जिस जो हर अपने क्रेडिबिलिटी का हर फैक्टर को जो है ना वो चेक उस पर लगाओ कि इसका हिफ्स भी ठीक है, इसकी मेमोरी भी ठीक है, ये सही लोगों में बैठता था, इसने आज तक झूठ नहीं बोला, ये मरते दम तक इसकी इसका हाफजा ठीक रहा, इसकी सनद भी है, ये झूठ नहीं बोला, ये सारी चीजें। ये बात भी अगर हम शेयर करें कि अभी तो आपके लिए ये कोर्स की स्टार्टिंग के ऊपर आपके बहुत से सवाल आते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप सोचेंगे कि एक सब्जेक्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के एक वर्ड के ऊपर आपको आगे 10-10 पीएचडी और 10-10 उस पर रिसर्च करने को मेरा पूरा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये कुरान और सुन्नत का इल्म एक मौजज़ा इन इटसेल्फ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक हदीस के सही होने के लिए या एक रावी के सही होने के लिए जो 5 शर्तें हैं कि वो उसमें आदिल हो, मतलब उसका जो अदालत तो उसका कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अदालत के ऊपर ही जो है ना आप सोच नहीं सकते, इतना काम हुआ हुआ है, इतना काम हुआ हुआ है, इतना बड़ा जखीरा। तो कल को आप देखें आप कुरान में आता है ना, लोग हम जर्नलिज्म के उसूल हम शरीयत से दे सकते हैं, रिपोर्टिंग के उसूल हम दे सकते हैं, या यो लजीन आमनु इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, इन इदा जाए इन जाओ इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, हां या इदा जाकुम बे तहकीक करें, इदा या इन चेक करें, हां ये चेक कर लेते हैं। तो आपके पास जब फासिक है बिना पाए फतह भैया तहकीक करें, तो अगर शरीयत ने रिपोर्ट्स को तहकीक करने का एक जनरल कायदा दिया तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी होगी। तो अगर एक डिवाइन डॉक्ट्रिन उसको बता रहा है कि रिपोर्ट और जर्नलिज्म कैसे करना होता है तो उसके मेरी एक बात हो रही, जब मैं उसूल हदीस किसी को पढ़ा रहा था तो उसपे ये आया सब्जेक्ट कि जी एक बंदा एक बात कह रहा है हम क्यों, मैंने कहा मुहद्दिसीन ने इतना काम किया है इस रिपोर्टिंग के ऊपर, उसूल हदीस के ऊपर, कि एक खबर के सही या ज़ईफ होने की शराइत के ऊपर या फैक्टर्स के ऊपर, कि हम कहते हैं कि कायनात के अंदर कोई एहसान कर सकता है ना हम पे, वो ये है कोई छठी शराइत, छठी शर्त लेके आ रहे हैं। 5 के अंदर सब कुछ है, जो 5 शर्त लगाई है उसूल हदीस में आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह उस्ताद ज़ैफा आपको पढ़ाएंगे कि जो अगर 5 शराइत पूरी हो जाए ना किसी भी बात के ऊपर तो वो बात यकीनी सही है, वो बात जो है आपको एन फितरत और अकल के मुताबिक उसूल है वो उस, और वो, हम कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि किसी ने ऐवे हदीस से उन 5 के ऊपर फिर अंदर समंदर खुले में वो अलग बात है, लेकिन जो है वो छठा भी उसूल नहीं, हम कहते हैं भाई इसका दीन से ताल्लुक भी नहीं, हम कहते हैं आप एहसान कर दो भाई कि छठा उसूल लेके आ जाओ, और हम दावा ये करेंगे जो आप छठा लेके आएंगे ना वो भी उन 5 के अंदर हम जम करके आपको दिखाएंगे कि इतना काम किया भाई जर्नलिज्म के ऊपर। ये भी लॉज ऑफ रिपोर्टिंग, ये भी तो एक बहस है ना उसके अंदर कि भाई दुनिया में हर चीज मुशाहिदे से नहीं पाई जा सकती, सीइंग इज बिलीव नहीं है, रियलिटी और ट्रूथ तक पहुंचने का एक जरिया मुशाहिदा है,
और एक खबर है, दूसरा खबर मुखबिर सादिक। अगर अगर आप खबर को माइनस करते हैं तो सबने पूरी दुनिया के इवेंट्स कौन से देखे हैं? सर वो कैमरे से देखे, मैं लाइव तो किसी ने नहीं जाके देखा, नहीं देखे। तो हम खबर पे या तो इंसार करेंगे या मुशाहिदे पे करेंगे। अगर हम सारा मुशाहिदा खुद नहीं कर सकते तो खबर एक ट्रूथ तक पहुंचने का हैवी डॉक्ट्रिन बन जाएगा। मेरे पर दादा पैदा हुए थे ये खबर, हाँ हमने तो नहीं देखा। नहीं अकल भी कहती है खबर नहीं, तो मैं जो कह रहा हूँ अकल और खबर मुतजाद है, लेकिन मुशाहिदा तो नहीं है ना। लेकिन मुशाहिदा नहीं, आप मुशाहिदे से हट के जो वो एक मैंने पोस्ट देखा था कि वो पेट के अंदर मोम के अंदर जो है वो बच्चे थे दो ट्विंस, उन्होंने कहा हमारी माँ है, देखा पता नहीं मैंने देखा नहीं। That was a good joke by the way. यार ये अमीर हमजा साहब बहुत देर से पूछ रहे हैं कि आ कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर दर्शन इस्लामी कोर्स लिटिल इंफॉर्मेशन। सर सारी इंफॉर्मेशन माशाल्लाह से हमारी आगे वेबिनार्स देख लें, दो तीन आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। आगे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट भी आपने पढ़ लिए होंगे। लेट्स कॉल उन लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए अपनी रूटीन्स में, अपनी कमर्शियल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी एजुकेशनल लाइफ के अंदर वो उसको परसू करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक सवाल है हया नूर पूछने, सर जिस बंदे को बिल्कुल दीन की तालीम नहीं, isn't this course a quite higher level for that? जिस बंदे को बिल्कुल दीन की तालीम नहीं, is it beginner's skill? नहीं, हम तो वैसे इसको बिगिनर्स ही रखा है, आप घबरा क्यों रहे? घबराने की बात घबराना नहीं है। नहीं मेरा इसके ऊपर पॉइंट यहाँ पर ये है, मेरी बहन जो हया है इसने जो सवाल किया है, नहीं बिल्कुल ऐसी बिगिनर के लिए घबरा। दूसरी बात यह है मैंने जब पहली दफा कैलकुलस की क्लास ली थी, मेरे सर के ऊपर से चली गई, तो मतलब समझ ही नहीं आती, बार बार बैठने से, रिपीट करने से उसमें बैठने। लेकिन आप एक एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप दुनिया की कितनी मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट से हमने सीख लिया। हार नहीं मान सकते इस तरह, नहीं आपने गाड़ी चलाना सीख ली, आपने ऐसी आपने पासपोर्ट, मुश्किल है दुनिया के, मतलब दुनिया में हर चीज वो मुश्किल है जो जिसकी नियत ना हो करने की। एवरीथिंग हर चीज मुश्किल है जिसकी नियत ना हो, जिसकी नियत है करने की वो कर लेगा। वो तो आदमी एवरेस्ट पार कर लेगा, एवरेस्ट क्लाइंब कर गया, और आपके लिए ये कोर्स करने मुश्किल है नहीं। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल, इंशाल्लाह आपको बहुत सीखने को मिलेगा इससे। और सवाल आपके ख्याल से हम बात करते हैं क्योंकि लास्ट वेबिनार है, इनको मौका देते हैं। हाँ अगर कोई सवाल है इनके पूछे जी हमसे, वी आर रेडी टू टेक योर क्वेश्चन, टाइम शुड वी बी गिविंग इट। ओनली मेरे ख्याल से क्लासेस देते हैं शुरू में, आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होमवर्क्स पे फोकस नहीं करते, आपकी जो है वो होमवर्क्स वगैरह पे असाइनमेंट्स पे फोकस नहीं करते। फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कंसेप्चुअल हैं। उसका मतलब ये क्लास के अंदर जो एक घंटे की या 50 मिनट की क्लास है वो ऐसा उन्होंने समंदर आपको खोलना है कि वो आपने खाली अपने अंदर जम कर लेना है, यानी वो कॉन्सेप्ट आपने खाली सही कर लेना है। टीचर जो है क्लास के एंड में आपसे खाली पूछेगा क्लियर, अगर आपको वो क्लियर है तो आपने हफ्ते का टास्क मुकम्मल कर लिया है, अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप मजीद सवाल करें। और अच्छी बात बता दूं सफ़ा की कि रिगार्डलेस ऑफ कि दीन इल्म के अंदर एक समझाते इतना सवालत ना करें आप, सफ़ा के अंदर इंशाल्लाह टीचर्स हमारी यही उनको ट्रेनिंग होती है और हमारा यही तर्ज अमल है कि हम आखिरी वक्त तक क्लियर करते हैं जब तक बंदे को समझ ना आ जाए। अगर वो क्योंकि एक चीज नहीं सुन रहे होते हैं आपने कभी इस डोमेन के अंदर पहले आपने सोचा नहीं होता तो कुछ चीजें आपको रिपेल कर रहे होते हैं आप उसके साथ, तो इंशाल्लाह उसके जवाब के अंदर हम आपको क्लास के अंदर आपको क्लियर करेंगे। बाय द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर है तो अपना असाइनमेंट होमवर्क कर चुके हैं, घर में आप चल करें पार्टी करें और अगले हफ्ते दोबारा क्लास के अंदर मौजूद। सवाल है अपने नोट किए सवाल जी, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ रेफरेंस बुक अगर आप डिमांड करेंगे तो वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज नोट्स जो होते हैं क्लास के दैट वुड बी सफिशिएंट इंशाल्लाह। और ऊपर करें स्क्रॉल करें, आई थिंक देयर वर फ्यू क्वेश्चंस। यस देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, शेयर के शऊर और लाशऊर का जो किस्सा है। सर अगर कोई रेगुलर दरस निजामी करके भी ख्वाहिशमंद हो तो फिर ये कोर्स कैसा रहेगा? अगर कोई जिस आदमी ने पूरा दर्शन निजामी किसी प्रॉपर मदरसे से किया हुआ तो इसको इस सेंस में पढ़ लें कि अगर आपको कहीं पर अपने पढ़ाना है करिकुलम को कंसाइज करना है, आपने कहीं पर सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग करनी है तो आपको उसके साथ जरा वो खेलकूद कर आप देखें। असल में वो कहा गया ना किसी से कि अगर तुम मुझे तकरीर करने का भूलो
तुम मुझे बोलो 1 घंटे में तकरीर करनी है तो आसान है, तुम बोलो 5 मिनट, 5 मिनट की तकरीर बड़ा मुश्किल है, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में कैसे बोलूंगा। हाँ, तो हमने जो उसको कंसाइज किया हुआ है तो वो जितने उलमा जो तैयार हो चुके हैं तो उनको तो उस लेंथ में तो पढ़ाना आता है। जैसे हम पूरी विरासत जो है वो सिराजी की लेवल की जो है वो हम 10 घंटे के अंदर पढ़ा देंगे आपको, वो नए रूल्स किस तरह है मैथमेटिक्स के, वेन डायग्राम्स के साथ सारा, और इंशाल्लाह आपको मिलेगा। उसूलुल फिक्र में 3 किताबों का माखज़ हमने निकाला हुआ है और वो किस तरह हम जो है वो 16 सेशंस के अंदर एक पढ़ी लिखी आवाम के साथ जो उनको हम बयान करेंगे मॉडर्न डे एप्लीकेशंस के साथ, वो मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस जो है ना उसकी, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं कि जी इसको किस तरह अप्लाई करना है। फिकुल व्यू में शेख आतिफ जो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह इट विल बी माइंड ब्लोइंग। सर मैंने अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा दी है। अच्छा चले, नहीं अगर उसका 14 साल का बच्चा अभी तो पेरेंट्स साथ बैठे होगा, नहीं तो कम से कम पेरेंट्स साथ बैठे हैं। और दूसरी बात ये है कि हाँ ये उसके लिए थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, लेकिन अगर 14 साल का बच्चा भी हमारे पास एक था, हमारे पास यहाँ पर हाँ वो उनका वेरी इंटेलिजेंट बच्चा आया था, बेटा उनका बेटा आया था, वो बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा। अगर वो सुन भी रहे हैं मेरे ख्याल से सुन रहे हैं तो भाई तुम्हें क्योंकि उसमें सिर्फ इतनी टेक्निकल बातें थोड़ी होती है, बीच में 50 चीजें और भी घुसती है 50। लेकिन एक चीज सपोर्टिव ये थी कि उनकी वालदा उनके साथ थी क्लास के, उनकी वालदा उनके, मैं चाह रहा हूँ किसी की एज छोटी भी है 14-15 साल है तो मैं चाह रहा हूँ उनकी उनके पेरेंट्स जो है वालदा या फादर जो है वो रजिस्ट्रेशन करा जैसे अगर हम और वो उनके साथ हम सेकंड सेमेस्टर में फिकुल व्यू में इस्लामिक इक्तेसाद के ऊपर बात करेंगे, व्हाट इज द मैक्रो एंड माइक्रो इस्लामिक इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट खुलेगा, उसमें हम कैपिटलिज्म 16-17 साल के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर बोला तो उसके अंदर भी खुलती है। हाँ, तो उसके अंदर जो है वो आएंगे कॉन्सेप्ट्स के जी वांट क्या है, नीड क्या है, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे उसके अंदर, इस्लाम के अंदर यूटिलाइज करने के लिए इसको क्या एस्पेक्ट है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दो एक्सट्रीम्स के बीच में इस्लाम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इट बी फन मेरे ख्याल से। और अगर आप पेरेंट्स बैठे तो इट बी वेरी हेल्पफुल। अब्दुल वही शेख कह रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स क्यों नहीं सफा में आपने डाला, देखें अनाउंस कर दें आप सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आप समझ लें जो जकीम जो है ना वो सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, जो अल्लमुल किताब है ये सफा वाला काम है, वल हिकमा जो है ना वो हमारे आर्ट ऑफ वॉर एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग वगैरह ट्रेनिंग से आते हैं कॉर्पोरेट्स में। तो इसके अंदर जो है मेरा वीकली चलता था, इसमें हम ये सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हैं, मेरी तकरीरें भी इस पे आती रहती हैं, काफी है यूट्यूब पे काफी लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, काफी मॉल मौजूद है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। हाँ, हमारा एक कोर्स अभी यार हम प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स हम प्लान कर रहे हैं एचआरएम लीडरशिप और मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर जो है हम देखना चाह रहे हैं। शरिया कंप्लायंट एक कोर्स हमने बनाया है 3-4 महीने का, वो होगा या 3 महीने का, वो सिर्फ ये इनके लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं और जो मैनेजर्स हैं और जो एचओडीज हैं और जो कंपनीज में काम कर रहे हैं और जो इदारों में है या फोर्सेज में भी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल चीज होती है। ठीक है, मजीद कोई सवाल? आई थिंक वरना हम मेरे ख्याल से कितना टाइम आज हमारा हो चुका अभी तक, हाउ मच टाइम हैव वी बीन लाइव अप टू एन आवर अराउंड आई थिंक मेरे ख्याल से वी हैव डन अ लास्ट जॉब, यस अ गुड पुश फॉर द पीपल, वी आर मोटिवेटेड। और सबसे जो है सफा की फर्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको। सो देन इज इट अ या जी ये इट वुड बी फ्री, क्या आप दें या आप सर्टिफिकेट रियल में एक पिक में 2013 जैसे पढ़ा रहे थे क्या? वो जमाना था। आप जरा बताएं कि जो मैंने पिक्चर यहाँ पे कल पोस्ट हुई है मैदान पे 2013 फर्स्ट बैच है कि बच्चे सारे इर्द गिर्द आके बैठे हैं आप बीच में पढ़ा रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन में मिल सकता है लेकिन कोशिश हम करेंगे। हाँ, लेकिन उसका एक अलग, देखिए जो असल मसला है जो इल्म पढ़ने का मजा है वो तो वैसे ही मतलब सादगी में है, आजी में है, बैठ के है, उस्ताद के सामने है, सुनना है, उस्ताद की किरात है, उसके बाद शागिर्दों के नोट्स बनाना है, फिर एंड में सवाल जवाब, वो मजा जो है वो ऑब्वियसली ऑनलाइन तो पूरा नहीं कर सकता, मगर अब एक चीज आई भी है कोरोना के ऑनलाइन जो है और बस आप देखिए कन्वीनियंस घर में बैठे, कन्वीनियंट बहुत है कि आप घर बैठे घर आ गए आपके लिए, ये है कि अगर आपने 5 मिनट बाद ज्वाइन किया ना तो आप नजरों में नहीं आएंगे, वैसे अगर शहादत की क्लास में आप 5-10 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में अटेंड ना होते तो ये मजे आपको नहीं मिल सकते, आपको डांटनी पड़ेगी जिस तरह आप लोगों को डांट पड़ेगी, जो असल में आपको बता रहा हूँ आप डांट नहीं, और डांट के बगैर जो है ना उस्ताद की डांट के बगैर इल्म पक्का ही होता है जब उस्तादों की मतलब नहीं वैसे ओवरऑल बात ऐसी बात।
चले जी मेरे ख्याल से देखते हैं सेशन को. जज़ाकअल्लाह खैर टू ऑल हु गिव अस नाइस क्वेश्चंस जिसमें उन्होंने जवाब दिए. अल्लाह ताला सब को भाई भी है आप सब सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको शेख का साइन हुआ होगा सिग्नेचर इंशाल्लाह. मैं नहीं दैट इज गोइंग टू बी अ बिग डील इंशाल्लाह ताला. बाकी अल्लाह ताला कबूल करे सबसे उनकी मेहनतों को और अल्लाह ताला से फिर इनसे मुलाकात करे आगे जाके. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.